क्षेत्रीय रोडवेज कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना दे रहे रोडवेज कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगों में से प्रमुख मांगे हैं कि उन्हें भी राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए 7वें वेतन आयोग की संस्तुति को लागू कराया जाए और साथ ही मृतक आश्रित व्यवस्था को भी लागू किया जाए। अपने प्रदर्शन में कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजियां की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष रमेश तिवारी ने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आगामी दिनों में लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस संदर्भ में आगे उन्होंने कहा, क्या मकसद है देखिए, मूल मकसद है हम जो सरकार से और प्रबंधन से बार बार यह आग्रह करते हैं कि कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी की जाए, जिसमें 11 सूत्री मांग को लेकर के पहले भी समझौता विभाग ने किया था, शासन स्तर पे भी हुआ था, लेकिन अब तक उसका कोई आदेश जारी नहीं हुआ। आदेश न जारी होने से कर्मचारियों में बहुत सारा आक्रोश है, क्योंकि हम काम करते हैं तो उसका दाम भी मिलना चाहिए, लेकिन दाम न मिल करके केवल काम काम की बात सरकार और विभाग दोनों करती हैं, जिससे हम कर्मचारी काफ़ी क्षुब्ध हैं। अभी हमारा 11 सूत्री मांग पत्र जो प्रबंधन को दिया गया है, मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, उसके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आज धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर 16 तारीख को इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद भी नहीं सुना जाता है तो 20 तारीख को बड़े स्तर पर लखनऊ में हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसके बाद कुछ भी हो सकता है। यह हमारा प्रांतीय प्रबंधन और प्रांतीय हमारा पदाधिकारी तय करेंगे, हम उसी के तारतम्यता में आज 16 तारीख को अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद उनको समझौता कर लेना चाहिए, जो हमारे समझौते हुए हैं उसको जारी कर देना चाहिए। यह बहानेबाजी के तहत समझौता तो करते हैं लेकिन आदेश जारी नहीं करते हैं। हम आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं कि जो मेरे समझौते हुए हैं, आज हमें 11 सूत्री मांग पत्र जो दिए हुए हैं, इस पर त्वरित कार्रवाई करके आदेश जारी कर दें। इन्हीं सब को लेकर के हम कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी करने के लिए बाध्य हैं।